हिम चल ना, वो सोनार का लड़का तुम्हें बुला रहा है। मुझे? हाँ तुम्हें, चलो आराम से। रुक जाओ। आई वो सोनार के बेटे ने भीम को बुलाया। नहीं जाएगा बीबा, बता देना उसे कि उसे चोट लगी है, नहीं आएगा। दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें, ढंग से चल भी नहीं पा रहा है वो, कैसे जाएगा वहां? जा तू चुपचाप जाके बैठ जा। और ये लड़का क्यों बुला रहा है तुम्हें? ये तो उन्हीं में से एक है ना जो तुम्हें स्कूल में तंग करते हैं, पढ़ने नहीं देते, साथ में बैठने भी नहीं देते। नहीं जाएगा बता दे। चला जाता हूँ, देख के आता हूँ। क्या पता कुछ जरूरी काम हो। हाँ स्कूल तो एक ही है ना, क्या पता उससे भी हमसे कोई जरूरी काम हो। अभी आता हूँ भाई। चल फिर। अरे अरे सुनो तो, वो अच्छे लोग नहीं है बीबा। गंगा जरा रोटियां देखना, मैं अभी आई। आराम से बीबा। क्या हुआ, क्यों बुलाया है? वापिस धक्का देना है क्या? नहीं। तो फिर क्यों बुलाया है? तुम गरीब हो ना? हाँ तो रुको। ये कोट रख लो, बहुत महंगा है, हमारे जात के लोग इसे पहनते हैं। ये पहनकर भोज में जाओगे ना तो कोई भी तुम्हें देखकर नहीं कहेगा कि तुम कौन सी जात के हो, वरना सब तुम्हें भगा देंगे वहां से। नहीं चाहिए कोट। नहीं चाहिए कोई कोट, चाहे वो हमें भगाए या ना भगाए। हाँ मेरे पास जो कपड़े हैं वही पहन के चला जाऊंगा। और शुक्रिया कि ये देने के लिए तुमने मुझे बुलाया। रख लो ना भीमराव, इसे रख लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया है उसके लिए तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी बीवा किसी को माफ किए बिना नहीं रहता, लेकिन कोर्ट नहीं लेंगे। क्या पता तुम कल को इसे ही चोर साबित कर दो। अगर चोरी साबित करना होता तो मैं कक्षा में अपनी कॉपी इसके बस्ते में डाल के भी कर सकता था। ये तो मेरे लिए आसान होता ना। रख लेना भीमराव, मैं दिल से कह रहा हूँ। रखूंगा नहीं, खुद पहना सकते हो तो पहना दो। आए, इतने प्यार से दे रहा है, और तुम ही तो कहती हो ना कि कोई कुछ प्यार से देता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए। पहना दो, कोट पहनाने में तुम्हें मुझे छूना नहीं पड़ेगा।
बीवा, एक बात बता, उस लड़के की ऐसी क्या गलती थी कि कोर्ट दे के माफी मांग रहा था? कक्षा में बैठने नहीं दिया इसलिए इतनी बड़ी माफी? तो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? मैं छुपा रहा था, लेकिन अब नहीं छुपाऊंगा। पता? उसने मुझे धक्का दिया था। इस लड़के ने, तू यही रुक, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। आई, रहने दो ना, उसने मुझसे माफी तो मांग लेना, अब चलो घर। ये कोर्ट देने का क्या मतलब हुआ? तुम हमसे दोस्ती करना चाहते हो? नहीं, हम कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। पर तुमने तो भीम को अपना कोर्ट भी दे दिया और उससे माफी भी मांग ली। वो तो मैंने पश्चाताप कर लिया, क्योंकि मैंने भीम को धक्का दिया था। असल में कोई भी ऊंची जात का लड़का तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन सुरेंद्र ने तो हमारे साथ दोस्ती की थी, और वो भी तो ऊंची जात का था। नहीं, मैं उस लड़के की तरह बहादुर नहीं हूँ कि मैं अपने बाबा से मार खाकर भी तुम्हारे साथ रह सकूं। हम कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। भीमराव को मैंने धक्का देकर गलती की थी, इसीलिए कोर्ट देकर पश्चाताप कर लिया। अगर हम चाहे तब भी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। बाबा जैसे लोग, सुरेंद्र के बाबा जैसे लोग हमारी और तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं होने देंगे। अरे भीम, तू कोर्ट को ऐसे घूर घूर कर देखेगा तो वहां लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये किसी और का कोर्ट है। और नहीं तो क्या, अंग्रेजों को ज्यादा बुद्धि होती है। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं देखूंगा। अच्छा भीम, ऐसा सोच कि मैं अंग्रेजी अफसर हूँ, तो मेरा अच्छे से अभिवादन कर और आई बाबा का परिचय करवा। ये बाला, इसको ठीक से मराठी तो बोलने आती नहीं है, आया बड़ा अंग्रेजी अफसर बनेगा। कौन से अंग्रेजी अफसर ऐसे बैठते? Shut up. Good. Sisters, brothers, mothers, buas, and beams. Shut up. Two. जो तुमसे कहा गया। भाई सकपाल, और ये है मेरे बाबा रामजी सकपाल। और बस, अरे बोलने के बाद वहीं पर ही खड़ा रहेगा या जाकर कहीं पर बैठेगा भी? बाला भैया, मुझे क्या पता कि वहाँ कुर्सियाँ कहाँ लगी होंगी और सब लोग वहाँ बैठे होंगे कि खड़े होंगे। परेशान मत करो। भीम सही कह रहा है। वहां जाके देखा जाएगा कैसे बैठे कैसे उठे। भीमा भाई, ये कपड़े तुम्हारे लिए, मेरे लिए और भीम के लिए लेके आया हूं। बाकी सभी के लिए तनख्वाह होते ही लेके आऊंगा। अरे बाप रे, समय तो बहुत कम है दीदी, आज रात में ही सीने पड़ेंगे। भीम, इधर। ये कोट। अरे बाबा, वो सोनार का बेटा है ना, उसने भीम को अपना कोट दिया है और कहा है कि यही कोट पहन कर जाना।
अच्छा है, लेकिन तुमने लिया क्यों? वो तुम्हें पसंद नहीं करता, हमेशा तुम्हारे साथ झगड़ा करता रहता है। बाबा आप ही तो कहते हो ना, जिस तरह बुरे बर्ताव का विरोध करना चाहिए, वैसे ही अच्छे बर्ताव का स्वागत करना चाहिए। बाबा वो बहुत प्यार से ये कोट दे रहा था, हमने उसे मना भी किया तो वो बहुत आग्रह करने लगा, पर हम उसे मना नहीं कर पाए। अरे मंजुला, तुलसा, गंगा, चलो उठो, खाना बनाने की तैयारी करो। तुम लोगों की आई तो आज उठने वाली है नहीं, वो तो आज पूरी रात बैठकर कपड़े ही सिलने वाली है। हाँ, और मैं लिखने जा रहा हूँ जो मुझे वहाँ बोलना है।